ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। आप महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं? सिलेंडर का पैसा आपने ले लिया, केरोसिन की सब्सिडी आपने ले ली, अगले पांच साल में बताइए दो बार डिमोनेटाइजेशन करेंगे या तीन बार, ये देश को आप बता दीजिए। गब्बर सिंह टैक्स को आप मतलब 7-8 टैक्स लगाओगे या 10 टैक्स लगाओगे, बता दो देश को। इधर उधर क्यों भाग रहे हो? और फाइनल बात मैं आपको बता देता हूं, राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया, बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। मैं आपको बताता हूं तो बता देता हूं क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है और चौकीदार चोर है रियलिटी है। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी और वो मैंने गलत किया, गलती हो गई तो मैंने उनसे माफी मांग ली।